everyone and welcome to our channel The Urban Jodi. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द अर्बन जोड़ी। अगर अभी तक आप सबने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। सो आज हम आपको लेकर आए हैं ओमान में बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लोकेशन टू व्हेन आई वांट टू स्पेंड टाइम विद अभिषेक। सो ये लोकेशन है जस्सा बीच एंड इट्स अ प्राइवेट बीच। यहाँ पे आपको पे करके आना पड़ता है। ये बिल्कुल यॉट क्लब के पास में है एंड दिस बीच इज़ टू मच ब्यूटिफुल। यहाँ पे शेड्स वगैरह भी हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये बीच जो है ना वो खाली रहता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ का यू नो बहुत अच्छे से आप पिकनिक वगैरह कर सकते हो, चीज़ें ला सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई इस बीच का लोकेशन हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपको इस लोकेशन को सर्च करना है तो आप जस्सा बीच लिख कर सर्च कर सकते हो। बेसिकली ये जो बीच है ये रूवी से अराउंड 14 टू 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है एंड 20 मिनट्स की ड्राइव पे आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। आपको अल बुस्तान का रोड लेना पड़ेगा एंड देन ऑन द राइट साइड यू विल सी दिस लोकेशन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द अर्बन जोड़ी। आज हम आप सबको यहाँ पे लेकर आए ओमान में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे। एक्चुअली दिस इज़ अ प्राइवेट बीच और ये बिल्कुल अल बुस्तान एरिया के पास में है। सो आप बोलोगे तो हम इसका लोकेशन आप सबको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। इट्स अ प्राइवेट बीच जैसे कि मैंने आपको कहा, तो यहाँ पे एंट्री फ्री नहीं है। आप सबको यहाँ आने के लिए 3 ओमानी रियाल पर पर्सन पे करना पड़ता है। बट इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। यहाँ पे बीच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आपको यहाँ पे बैठने के लिए यू नो सारे ऐसे अरेंजमेंट्स करके मिलते हैं। आप अपने खाने की चीज़ें वगैरह ज़रूर लेकर आना। यहाँ पे आसपास कोई कैफ़े नहीं है। यहाँ पे कैफे है बट लेकिन हाँ कॉस्टली। ओह आई रियली डोंट नो यहाँ पे कैफे है। अगर कैफे है तो डेफिनेटली हाँ यहाँ पे कॉस्टली हो सकता है। बट हम अपनी खाने की चीज़ें लेकर आए हैं तो बेटर रहेगा कि आप लेकर आओ अपनी खाने की चीज़ें, पिकनिक वगैरह, एंड देन यू कैन एन्जॉय योर प्राइवेट टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। सो दैट इज़ वाई एंड सी हाउ अभिषेक इज रिलैक्सिंग ओवर देयर। वो आते ही हमेशा यहाँ पे रिलैक्स करना शुरू हो जाता है। हाँ एंड यस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच, आप सबने हमको इतना सपोर्ट किया एंड प्लीज़ आगे भी ऐसे बहुत सपोर्ट करते रहना। द लोकेशन इज़ टू गुड। हाँ सन टैनिंग से बचना है मेरी तरह तो डेफिनेटली सनस्क्रीन लगा लेना, बट मुझे टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है एंड यहाँ पे यू नो दिसंबर का तो जो टाइम रहता है ना वो बेस्ट है बीचेस पे आने के लिए। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कॉचिंग सन रहता है सो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू गाइज। लेकिन दिसंबर जनवरी वगैरह पे बीच पे रहना इट्स टू गुड एंड सूदिंग। अभी सन इतना ज़्यादा हार्श नहीं है स्किन पे सो विच इज़ वाई इट इज़ गुड। एंड आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे यू नो वहाँ पे बोट राइड वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पे चेंज करने के लिए भी आपको अलग से वॉशरूम दिया गया है एंड अगर आपको वापस से स्विमिंग करने के बाद नहाना है तो वहाँ उसके लिए भी यू नो यहाँ पे शावर्स वगैरह दिए गए हैं फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। सो इट इज़ टू गुड, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। सो डू कम ओवर हियर इन ओमान।
सो अभी हम सन बाथ ले रहे हैं, स्विमिंग करके आ गए। पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था एंड जैसे कि आप सबको पता है ओमान ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल कंट्री है, बट आज हम फर्स्ट को और ज़्यादा पीस लेने आए हैं। होपफुली आने वाला साल काफ़ी अच्छा पीसफुल ही जाएगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। We hope you like this video and again please subscribe our channel and bell icon को press कर लो so that आने वाली videos की notification आप सबको मिलती रहे। Thank you for watching.